नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में जीते हिमांशु कुमार और सचिन सिंह बोहरा को भेंट, आपको बता दें कि स्वर्ण पदक भेंट किए गए। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। उत्तराखंड में सरकार के चिंतन शिविर पर विपक्ष चुटकी लेने का काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आप कितने ही शिविर लगाकर मंथन करते रहें, लेकिन असल हकीकत में इसका कोई फायदा आम जनता को नहीं होने वाला है। हालत ये है कि खुद जो है सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें और सरकार में समन्वय नहीं है, तो चिंतन किस बात का? पहले समन्वय बनाइए आप, और जो समन्वय होता हो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए आप देख लीजिए कि प्रदेश के अंदर जो है 9 महीने की सरकार हुई है, और उस 9 महीने की सरकार ने इस प्रदेश को जो घाव दिए हैं उसकी भरपाई नहीं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विशेष तौर पर कोटद्वार विधानसभा के विषय में लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर विस्तृत में बातचीत की गई। केंद्रीय मंत्री ने भी विधानसभा अध्यक्ष को उत्तराखंड के विकास में हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ इस मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण सहित कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर को बनाए जाने को लेकर भी विस्तृत रूप से बातचीत की। खेल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा 2024 में उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर खेल विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल कराए जाएंगे, इसके लिए खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हल्द्वानी देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, 2023 तक काम को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। वहीं कांग्रेस द्वारा सचिवालय कूच कर विरोध के जवाब में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कांग्रेस के करनी और कथनी में काफी अंतर है। कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता 2022 के चुनाव में जवाब दे चुकी है और आगे भी उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को जवाब देती रहेगी। कि हमें राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन करना है, 2024 में इसका होना तय है। हम लोग उसकी तैयारी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। अवस्थापना की स्थिति में मैं मानती हूँ कि लगभग 70-80% हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। रही बात चाहे वो हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम की हो अथवा देहरादून की हो अथवा हरिद्वार की हो, मैं मानती हूँ कि हम लोग उसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले पहले, वैसे तो इसी वर्ष के अंत या 2023 के मध्य में जो है सभी चीज़ों का समाधान, जो भी चाहे वो लिंगरौन हो, देहरादून का हमारा स्टेडियम हो अथवा यहाँ का हो, हम लोग उसको शॉर्ट आउट। देखिए, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में जनता के मध्य गई थी और जनता ने उसका क्या जवाब दिया, ये हम सबके सामने है। तो इसलिए खाली कांग्रेस जो है उसकी कथनी में है, भ्रष्टाचार का स्वयं कांग्रेस अपने आप में पुतला है। यदि 2014 का हम कालखंड देखते हैं, कांग्रेस का कालखंड देखते हैं, तो पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा जो है उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है। ऐसे लोग जो है यदि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या
कूच करते हैं, ये केवल मात्र दिखावा है जो उनके आचरण में मैं समझती हूँ। लेकिन मैम आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी भ्रष्टाचार की बात कही, चाहे तीरथ हो चाहे त्रिवेंद्र जी हो, उनकी बातों भी तो देखिए, मैं मानती हूँ कि जिनके तरफ से भी इस प्रकार की बातें आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि यदि उनको कहीं पे भी ऐसा प्रतीत होता है, किसी भी मामले में ऐसा प्रतीत होता है तो बताएं और उस पर निष्पक्ष जांच होगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और 2017 से लेकर अभी तक मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जीरो टॉलरेंस के साथ मैं काम किया है, और हम सब ने शायद ऐसा बिरला उदाहरण कभी नहीं देखा होगा कि हमने यदि किसी घोटाले का पता चला है, यदि युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ है तो कठोर से कठोर कार्रवाई। उत्तराखंड में भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कैबिनेट मंत्री का विरोध दर्ज कराने जा रहे कांग्रेसी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि भर्ती घोटाले समेत अन्य मामलों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को काले झंडे दिखाकर कांग्रेसी विरोध जता रहे थे। वहीं पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से पहले ही कांग्रेसियों को रोका और कई कांग्रेस पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में कांग्रेसी पदाधिकारी ने अपनी गिरफ्तारी को दमनकारी नीति बताया है। तो आपको बता दें उत्तराखंड में भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कैबिनेट मंत्री का विरोध दर्ज करने जा रहे कांग्रेसी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भर्ती घोटाले समेत अन्य मामलों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को काले झंडे दिखाकर कांग्रेसी विरोध जता रहे थे। वहीं पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से पहले ही कांग्रेसियों को रोका और कई कांग्रेस पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में कांग्रेसी पदाधिकारी ने अपनी गिरफ्तारी को दमनकारी नीति बताया है। तो आपको बता दें खबर उत्तराखंड से है, जहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तराखंड में भी कैबिनेट मंत्री का विरोध दर्ज कराने जा रहे कांग्रेसी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला भर्ती घोटाले समेत अन्य मामलों को लेकर था, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को काले झंडे दिखाकर कांग्रेसी विरोध जता रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तबरेज खान जुड़ गए हैं। तबरेज, आपको आवाज मिल पा रही है? जी संदीप। तबरेज जी, उत्तराखंड में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, कांग्रेस विरोध दर्ज कराने जा रही थी, काले झंडे दिखाए गए मंत्री को, उसके बाद क्या कुछ अपडेट है पूरी आपके पास? जी, लगातार जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, कांग्रेस जो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है लगातार, अभी कुछ दिन पहले भी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष के अगुवाई में सचिवालय और विधानसभा घेराव घेरा गया, और आज भी प्रेमचंद अग्रवाल जी का यहाँ पे दौरा था, उनकी जन सुनवाई का एक कार्यक्रम था, उस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको काले झंडे दिखाने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनको रोका गया, जिस दौरान उनको कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई पुलिसकर्मियों के साथ में, और जोर जबरदस्ती के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। जी, कांग्रेसियों ने इस जो गिरफ्तारी को दमनकारी नीति बताया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे उनका साफ तौर पर जो कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर, उनको गिरफ्तार किया गया, साथ में सभासद समीर प्रकाश को ही, और जो इनके जो स्थानीय नेता है उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो प्रदेश सरकार है वो दमनकारी नीति अपना रही है, वो केवल मिलने जा रहे थे, अपने जो बात रखनी थी उनको वो बात रखनी थी, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने वहां पर काले झंडे दिखाने की कोशिश की, और इसी चक्कर में उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस है वो दबाव में काम कर रही है सरकार के। जी तबरेज, एक और जानकारी चाहेंगे, क्या कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से कोई इस पूरे मामले पर कोई बयान आया है उनकी तरफ से? जी, जैसे कि उनका कार्यक्रम था उससे कुछ समय पहले ही कार्यक्रम बाद में हुआ, जब उन्होंने ऐसा तो कुछ इस मामले को लेकर अपना बयान नहीं दिया, मगर जो उनका जो कार्यक्रम था वो वैसे निपटा है। चलिए तबरेज जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तबरेज।
देहरादून स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव अभय दीपक जी के साथ पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर उनके साथियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव अभय दीपक जी ने अभी अभी अपनी एक टीम के साथ 50 लोगों की टीम के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। मैं अभय दीपक और उनके पूरी टीम का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। अभय दीपक जी ने भी हमारी तरह कांग्रेस के झगड़ों से परेशान होकर के वहां पर जिस तंका वातावरण है कि कांग्रेस टुकड़ा टुकड़ा गैंग जैसी हो रही है, उससे परेशान होकर के और उनके पूरे साथियों ने विचार बनाया कि अब राज्य के अंदर भविष्य के लिए बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में उन्होंने जो जनता से वायदे किए, आम आदमी पार्टी उसको पूरा कर रही है और निकट भविष्य में 8 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम गुजरात और हिमाचल के आएंगे तो उम्मीद हो रही है कि दोनों राज्यों में हमारी मजबूत उपस्थिति रहेगी। गुजरात में सरकार बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस वातावरण को देखते हुए यहाँ पर लोगों के एकजुट होकर के जन संघर्ष के लिए, जन सरोकार के लिए लड़ने की जो भावना है उससे प्रेरित होकर के ये सब लोग कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए। सभी का स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सभी विधायकों से अपने क्षेत्र की 10-10 प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मांगी गई थी, जिस पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अपने 10 कार्यों में से राजकीय चिकित्सालय रानीखेत के लिए MRI CT स्कैन मशीन और NICU यूनिट की मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था। विधायक ने कहा कि दोनों मशीनों और एक यूनिट पर स्वीकृति मिल चुकी है और शीघ्र ही तीनों यूनिट अस्पताल को मिल सकेंगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और सांसद का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी विधानसभा में जो प्रस्तावित विकास कार्य है इनकी सूची मांगी थी। हमारे द्वारा 10 विकास कार्य जो हमारे क्षेत्र में होने अत्यंत आवश्यक हैं इनकी सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी। उनमें से जो अत्यंत महत्वपूर्ण मांग हमारी थी कि रानीखेत जो हमारा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है, यहाँ पर NICU की सुविधा नहीं है और यहाँ पर MRI स्थापित होना अत्यंत आवश्यक था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा की थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय सांसद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये तीनों मांगें हमारी मांग ली और रानीखेत हॉस्पिटल में MRI CT स्कैन और NICU की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड के चंपावत जिले के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम से होने वाले पूर्व निर्धारित विभिन्न विकास कार्यों और मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं के अनुरूप होने वाले विकास कार्यों के निरीक्षण करने पहुंचे चंपावत के प्रभारी DM हेमंत कुमार वर्मा ने मंदिर समिति और विभागीय अधिकारियों के साथ ककराली गेट से लेकर पूर्णागिरी धाम तक करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्होंने कार्यदायी संस्था को पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी DM वर्मा ने बताया कि मंदिर समिति और पदाधिकारियों के साथ पूर्णागिरी धाम स्थित मंदिर समिति कार्यालय में बैठक हुई है। आज हमारे जिला चंपावत के ADM सर श्री हेमंत वर्मा जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों का के साथ माँ पूर्णागिरी धाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2022 घोषणा के हिसाब से जो काम होने हैं तो सभी विभागों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है पूर्णागिरी धाम के संदर्भ में हेतु उस क्रम में जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए। तो उसी क्रम में आज टनकपुर से होते हुए ये पूर्णागिरी मंदिर तक का सभी संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए जहाँ पर DPR बननी है कि कार्रवाई शेष है वहाँ पर तत्काल वो DPR तैयार करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपदा के दृष्टिगत जो विगत मानसून में क्षतिग्रस्त रास्ते सड़कें और जो पेयजल योजनाएँ हैं उनके लिए 63 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस प्रकार अन्य विभाग भी अपनी
राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट काफी तेजी से चल रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों को ग्रीन बनाने की कवायद भी की जा रही है। इसी के तहत राजधानी में कलेक्ट्रेट सहित 17 विभागों के दफ्तर अब एक ही इमारत में होंगे। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी की इस ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज के वर्कशॉप की जमीन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बीजेपी विधायक खजान दास ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। और वहीं अब ग्रीन बिल्डिंग 187 करोड़ की लागत से बनेगी। इसमें कलेक्टर सहित 70 विभागों के कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। इससे सरकारी कामों के लिए लोगों को एक ही जगह पर सभी व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही राजधानी की परेड ग्राउंड में पिछले दिनों लगाई गई घास के खराब होने को लेकर भी बीजेपी विधायक खजान दास ने अधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कब तक वो सैंक्शन होगी और कब बनेगी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का काम अब गति दे रहा है, अब ढीला नहीं है, ढीला था, किंतु ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं से काम छीना गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और 200 करोड़ का काम ऐसी कंपनियों से छीना जो निष्क्रिय थी, जो काम नहीं कर रही थी। और उस पर मैं ये भी अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज कराया जाए। दूसरा, क्योंकि हमारे राज्य का बहुत बड़ा लॉस ऐसे कंपनियों ने किया है, जो काम हमको 2 साल पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब हमको 2 साल उसको पूरा करने में लगेंगे। और बहुत गति आगे बढ़ रही है, स्मार्ट सिटी का काम में कोई दिक्कत आ। सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने परिवहन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन उत्तराखंड राज्य परिवहन नहीं कर रहा है। बड़ी और भारी बसों को 1 अप्रैल 2023 से फिटनेस सेंटर में भेजा जाना है और छोटे वाहनों को 1 जून 2024 से भी अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन ARTO ने अभी से ही छोटे या बड़े वाहनों को फिटनेस सेंटर भेज दिया है। दिसंबर 2023 से CNG और Euro 6 से नहीं चलने वाले सभी वाहन बंद कर दिए जाएंगे। इस फरमान से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों का भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेश है, गाइडलाइन है, स्पष्ट कि बड़ी भार वाहन और बड़ी लंबी जो बसें हैं, स्टेज कैरिज बसें, उसको जो है 1 अप्रैल 2023 से जो है फिटनेस सेंटर में भेजा जाएगा और जो छोटे वाहन है या मंझली गाड़ियां हैं उसका 1 जून 2024 से अनिवार्य किया गया है। और आपने देखा होगा अभी जितने भी वाहन हैं, छोटी हैं, बड़े हैं, सबको जबरदस्ती RTO के द्वारा जो है फिटनेस सेंटर भेजा जा रहा है जो यहां से कम 30 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। हमारी इसमें घोर आपत्ति है और हमारा इसमें विरोध है और कहीं ना कहीं हम इसके लिए बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं। दूसरा मेरा कहने का ये है कि अभी आपने देखा होगा विक्रम और ऑटो का चल रहा है मामला कि भाई 10 साल के इनके विक्रमों को जो है 2023 में टोटल विक्रम जो है बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक तालिबानी फरमान एक और आया है कि दिसंबर 2023 से अन्य सभी वाहन जो हैं सड़कों से बाहर हो जाएंगे, या तो वो Euro 6 गाड़ी लाएं और या वो अपनी CNG गाड़ी लाएं। अब आप ये देखो कि अगर इस तरीके का तालिबान फरमान, एक साल के अंदर कोई ना तो इसको रिकवर कर पाएगा गाड़ी वाला और कहीं ना कहीं लाखों लोग इसमें बेरोजगार हो जाएंगे और हजारों लोगों की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम जो है अगर ये अगर हमारी ये मांगे जो तालिबानी आदेश अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो 25 तारीख को जो ST की बैठक हो रही है उसमें विरोध किया जाएगा और अगर उसमें भी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये। देहरादून में बल्क वेस्ट जनरेट करने वाली जगहों को कूड़ा अलग अलग करके रखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम ऐसी जगहों का कूड़ा नहीं उठाएगा। आपको बता दें कि इसमें होटल, अपार्टमेंट और रेस्टोरेंट जैसी जगहें शामिल हैं और नगर निगम ने इसके लिए ऐप तैयार किया है जिसमें ऐसी जगहों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना ऐप पर रजिस्ट्रेशन के निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर कूड़ा उठाने नहीं जाएंगी। भविष्य में ऐसी जगहों का कूड़ा निस्तारण अलग ढंग से यहीं पर किया जा सकेगा। इसको लेकर यह प्लान तैयार किया गया है। बल्क वे जनरेटर का एक ऐप लॉन्च किया है नगर निगम ने, जिसमें बल्क वे जनरेटर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इसमें हम लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फ्यूचर में अन्य जो कैटेगरीज जैसे मॉल्स हो गए या वेडिंग हॉल्स हो गए, इन सबको भी ऑनबोर्डिंग करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग कूड़े को
पृथकीकरण करते हुए सेग्रीगेशन करते हुए जो है कलेक्ट करेंगे, और भविष्य में जब एक बार प्रणाली स्थापित हो जाएगी तो भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे जो बल्क वेस्ट जनरेटर है कूड़ा उनके यहाँ पे ही डिस्पोज। गदरपुर में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए रैपिड इंडियन फोर्स ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस के अधिकारियों से असामाजिक तत्वों की भी जानकारी ली। आपको बता दें कि रैपिड इंडियन फोर्स 108 बटालियन के दर्जनों जवान के साथ डिप्टी कमांडेंट रामकिशन के नेतृत्व में कई वाहनों के साथ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थानाध्यक्ष राजेश पांडे से मुलाकात कर क्षेत्र की असामाजिक तत्वों की जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट रामकिशन ने बताया कि रैपिड इंडियन फोर्स का काम असामाजिक तत्वों की जानकारी लेकर पुलिस के सहयोग से अपराध को रोकना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि इलाके की जानकारी लेना और जो असामाजिक तत्व है उनके बारे में जानकारी लेना, उनको चिन्हित करना ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर का पहला पुलिस स्टेशन है गदरपुर, यहाँ पर हम अभी आए हैं। बाकी हमारा 28 तारीख तक का प्रोग्राम बना हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के 17 डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।